फ्रेंड्स राधे राधे। राधा रानी सबको खुश रखे, जो जहाँ भी रहे खुश रहे। फ्रेंड्स सबसे पहले आप सबका वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सोनू गिरधर ब्लॉग्स। सबसे पहले मैं प्रार्थना करूँगा प्रभु से कि आप सबको ठीक रखे। आई प्रे टू गॉड यू विल ऑल राइट। फ्रेंड्स आज मैं बात करूंगा, व्यर्थ का गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्से में जो नुकसान होता है वो गुस्सा शांत होने के बाद ही पता चलता है। फ्रेंड्स व्यर्थ में गुस्सा नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स जो मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। जो मैं आपको नई वीडियो की अपडेट देने के लिए बेल आइकन का बटन होता है उसको ज़रूर दबा दें, जिससे वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अब मैं बात पर आता हूँ, व्यर्थ का गुस्सा। जैसे कि एक बार की बात है, सांप बढ़ई के गोदाम में घुस रहा था तो आरी का ब्लेड रास्ते में पड़ा था। आरी का ब्लेड सांप को लग गया, उसको आहत हुई और उसका शरीर थोड़ा सा कट गया। सांप ने सोचा इसने मेरे को कुछ दर्द दिया है। उसने क्या किया, उस आरी के ब्लेड को मुँह से दबा दिया, उसका मुंह भी कट गया। तो और परेशान कि मेरे को जैसे भी मैं इसको मारना भी चाह रहा हूँ, कुछ करना चाह रहा हूँ, मेरे को और मार रहा है ये भी। तो उसने क्या किया, सांप की आदत है वो चीज़ से लिपट जाता है। और क्या हुआ, उस आरी के ब्लेड पे लिपट गया पूरी तरह कि मैं इसको ख़त्म कर दूँगा। जैसे वो आरी के ब्लेड से लिपटा, सारा शरीर कट गया सांप का और मौत हो गई। फ्रेंड्स ये होता है व्यर्थ का गुस्सा, कि हम किसी को छोटी सी बात पर चाहते हैं कि उसको सबक सिखाया जाए, उससे बदला लिया जाए, वो गलत बात है। व्यर्थ में गुस्सा मत होना दोस्तों, जिंदगी है, माफ़ कर दिया करो। सामने वाले को जब गलती का एहसास ना हो तो उसे माफ़ कर देना ही अच्छा है। गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्से में कुछ नहीं रखा, गुस्से से नुकसान ही होता है, अपना भी, अपना ज़्यादा होता है और शांत होने के बाद ही पता चलता है कितना नुकसान हुआ। फ्रेंड्स मेन बात पर अब दोबारा फिर से आता हूँ, जिंदगी है, स्ट्रगल करना, घबराना मत। लिख दे अपने खून से कामयाबी की कहानी और बोल दे किस्मत को है दम तो मिटा कर दिखा, है ना। फ्रेंड्स जो होगा अच्छा होगा, घबराना मत जिंदगी में कभी। जिंदगी में लोग कहते हैं कि कोई साथ नहीं देता, एक बात बता दूं जो सच्चाई है, जिंदगी में कोई किसी का साथ नहीं देता। अपने आप ही अकेले ही सब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और अपने आप ही हिम्मत करके आगे बढ़ना चाहता है। दो लाइनें मैं कुछ देखकर भी पढ़ूंगा। दुनिया में ना आजकल दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, कभी सोचो कि तुम दौड़कर जीत जाओगे, गलत सोच रहे हो। आजकल की दुनिया में बहुत तेज़ दौड़ना पड़ेगा तभी जीत पाओगे। कुछ करना है लाइफ में, कुछ आगे का सोचो दोस्तों। और जब तक ये है ना कि ये मेरा सपना है, मेरे को ऐसे करना है वैसे करना है, मैंने उसको लाना है, ये गलत है। सपना मत रखो, प्लान बनाओ, प्लान कि मुझे वो अचीव करना है, ये मेरा टारगेट है तो मुझे उसे पाना है। जब तुम प्लान बनाकर चलोगे ना तुम उसे पाओगे, प्लान बनाकर चलो। और वो जो मैंने लाइन पहले बोली है उसको दोबारा फिर से पढ़ता हूँ, पूरी लाइनें कुछ ऐसे है वो। अपनी मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। और लिख दे अपने खून से कामयाबी की कहानी, और लिख दे अपने खून से कामयाबी की कहानी, और किस्मत को कह है दम तो मिटा के दिखा। फ्रेंड्स मेहनत करना, ज़िंदगी अपने आप खूब रंग दिखाएगी, सब अच्छा होगा। फ्रेंड्स
राधा रानी सबका भला करे। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, बाय बाय, मिलेंगे जल्दी नई वीडियो के साथ। अपना प्यार ज़रूर दें फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। बाय बाय।